सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो? स्वागत है और एक इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की वीडियो पे। तो आज हम फिर से करने वाले हैं कुछ मीथ को बास्टेड और कंफर्म। तो पहला मीथ है मून ग्रेविटी लगाओ, उसके बाद साइकिल को स्पॉन करो, फिर घर की दीवार पे चढ़ो और मैजिक देखो। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मून ग्रेविटी को ऑन करना पड़ेगा और मून ग्रेविटी का चीट कोड है 7112। चलो मून ग्रेविटी ऑन हो गया, अभी हमें साइकिल को स्पॉन करना पड़ेगा और साइकिल का चीट कोड है 1111। चलो साइकिल भी स्पॉन हो गया। देखो भाई, अभी तो है मेन चीज, अभी हमें देखना है हम दीवार पे चढ़ सकते या नहीं चढ़ सकते। तो भाई दीवार पे आ गए और दीवार पे चढ़ जा रहे। अरे दीवार तो छोड़ो, हम आसमान में उड़ जा रहे भाई, ये गजब ग्लिच है। ठीक है, देखो भाई मैं साइकिल से कितना ऊपर चलाया लेकिन और ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ भाई। अभी तो धीरे धीरे नीचे जा रहे, लेकिन भाई जो भी बोलो ये तो भाई धमाल था। हाँ ये सच है, हम ज़्यादा टाइम तक नहीं उड़ पाए लेकिन उड़ा था भाई। अभी मैं देखना चाहता हूँ वो जो बड़ा बिल्डिंग है ना उन पे चढ़ सकते हैं या नहीं। देखो सामने जो बिल्डिंग पे वहाँ पे चढ़ेंगे। ठीक है चलो, बिल्डिंग के पास आ गए, अभी हमें इस पे चढ़ना है। ठीक है, और ये चढ़ रहा है भाई। भाई ये बहुत लंबा बिल्डिंग है। ठीक है, अभी ये चढ़ ही जा रहे हैं भाई। वो जो सामने जो बिल्डिंग देख रहे हो ना उसकी तरह इसका हाइट है भाई। अरे मत गिरना भाई, मत गिरना भाई, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा भाई। तुम लोग बिल्डिंग को देखो कितना ऊंचा है, बोलिए आसमान पे उड़ रहा है। देखो वो जो पहले वाला हमने उड़ा था वो तो बहुत, उसका हाइट तो बहुत कम था। ठीक है, लेकिन इसका हाइट बहुत भाई बहुत ऊंचा है। मतलब देखो हमें नीचे ही नहीं दिख रहा है, आसमान के पास आ गया हम लोग। देखो ये तो और भी ऊपर जा रहा था लेकिन मैं इसको नीचे ला रहा हूँ, क्योंकि भाई अगर ये ऊपर चला जाएगा ना तो इन्फिनिटी फॉल में चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको नीचे ला रहा हूँ। और तुम लोग सिर्फ देखो भाई, इसको पूरा मैप दिख रहा है, मतलब हम कितना ऊंचा चला है भाई, और उड़े ही जा रहा है, मतलब नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई। देखो मैं अगर इसको नीचे नहीं लाता ना तो भाई ये आसमान में उड़ता ही रहता भाई, कितना ऊंचा चले गए थे हम भाई। ये मिथ सबसे बेस्ट था। ठीक है, तो ये मिथ होता है कन्फर्म। दूसरी मिथ है, पहले स्विमिंग ग्लिच को लगाओ और मून ग्रेविटी का चीट कोड लगाओ, फिर किसी NPC की गाड़ी में बैठते हुए स्लो मोशन करो और म्यूजिक देखो। तो स्विमिंग ग्लिच करने के लिए आपको पानी के पास जाना है, तो मैं स्टेशन के पास जो छोटे से तालाब है ना वहाँ पे आ गया। अभी हमें स्विमिंग ग्लिच करना है और स्विमिंग ग्लिच के लिए हमें एक कार को स्पॉन कर लेना है। ठीक है, तो मैं 500 डायल करके ओडी को स्पॉन कर लिया। देखो स्विमिंग ग्लिच के बाद ना हम फोन को टच ही नहीं कर सकते, तो मैं क्या करूंगा अभी मून ग्रेविटी लगा लूंगा। ठीक है, और मून ग्रेविटी का चीट कोड है 7112। चलो हो गया, अभी हमें पानी में जाना पड़ेगा। चलो पानी में आ गए। अरे भाई किधर जा रहे, अरे दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो आगे ही चले जा रहा हूँ। अभी हमें क्या करना है, कार से उतरना पड़ेगा। ठीक है, उतर गया और फिर से बैठना पड़ेगा। चलो बैठ गया। अभी देखो ये जो मुक्का आया ना इसका मतलब भाई स्विमिंग ग्लिच हो चुका है। चलो पानी के बाहर आ गया, लेकिन यहाँ पे नहीं उतरूंगा क्योंकि मुझे NPC की कार में बैठना है, तो यहाँ से स्विम करके तो नहीं जा सकता ना। अरे भाई कार उड़ रहा है, ओ मून ग्रेविटी लगा हुआ था ना इसीलिए उड़ रहा है, लेकिन ऐसे उड़ेगा तो मैं NPC की कार में कैसे जाऊँगा। चलो धीरे धीरे जाना पड़ेगा, नहीं तो भाई फिर से उड़ जाएगा। एक NPC आ रहा है, क्योंकि उतर गया और अभी मैं तो स्विम करूंगा। देखो मेरे पे मून ग्रेविटी लगा हुआ है लेकिन ये क्यों उड़ रहा है। अभी मुझे क्या करना है, स्लो मोशन करके इस पे बैठना है। भाई देखो स्लो मोशन तो नहीं हुआ लेकिन भाई सिंपल है, जैसे मारता है वैसे ही मार रहा है। हाँ बंदा नहीं था तो अपने आप ही चला रहा था, फिर कुछ देर बाद बंदे को उतारा, लेकिन कुछ नहीं हुआ भाई, सिंपल था, मतलब जैसा होता है ना वैसा ही था। पहले लात घुसा मारा फिर बंदे को उतारा, और ज्यादा कुछ नहीं था भाई। तो ये मीथ होता है बास्टेड। तीसरा मीथ है, अगर हम स्लो मोशन लगाकर सुपर जंप करें तो हमारा कैरेक्टर अजीब तरीके से जंप करता है। तो चलो पहले सुपर जंप को ऑन कर लेते हैं, और सुपर जंप का चीट कोड है 1215। सुपर जंप ऑन हो गया, अभी हमें क्या करना है, स्लो मोशन करके ऊपर जंप देना है। और मैं जंप दिया लेकिन नॉर्मल था भाई, उतना कुछ फर्क नहीं दिखा। ठीक है, अभी रुको इसको नीचे आने देते हैं, फिर नॉर्मल में करेंगे, मतलब बिना स्लो मोशन के करेंगे। ठीक है, देखो मैंने तो सुपर जंप किया था लेकिन ये इतना ऊपर कैसे आया, शायद स्लो मोशन के वजह से होगा। रुको स्लो मोशन ऑफ करके देखते हैं, ठीक है फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी मैं बार बार जंप करूंगा तो मैं मर सकता हूँ, इसीलिए मैं इन्फिनिटी हेल्थ ऑन कर लेता हूँ। चलो ऑन हो गया, अभी हमें फिर से जंप करना है विदाउट स्लो मोशन। ये जंप किया और ये ऊपर चला गया। अगर आप स्लो मोशन पे देखोगे ना तो इसका थोड़ा अलग था। देखो ये जंप किया, देखो जंप करने के लिए हम क्या करते हैं, रन बटन पे दो बार क्लिक करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही वो एक बार जंप किया, फिर उसके ऊपर और एक बार जंप किया, लेकिन स्लो मोशन पे डायरेक्ट जंप कर रहा था, तो ये तो अलग है। ठीक है, दूसरी बात, जब हम स्लो मोशन पे कर रहे थे तब हम बहुत ऊंचा चले जा रहे थे। ठीक है, मतलब अल्ट्रा सुपर जंप हो रहा था, लेकिन जब हम विदाउट स्लो मोशन कर रहे हैं तो भाई नॉर्मल जैसा सुपर जंप होता है वैसा ही हो रहा है। तो ये मीथ होता है कन्फर्म। चार नंबर मीथ है, घोस्टेटर बाइक को RGB करो फिर उसका शेडो देखो। रुको पहले हमें देखना है रोशनी कहाँ से आ रहा है। हाँ रोशनी सामने से आ रहा है, मतलब पीछे हमारा शेडो आएगी। ठीक है, तो चलो 5555 डायल करके घोस्टेटर बाइक को स्पॉन कर लेते हैं। स्पॉन हो गया,
हाँ अच्छा तरीके से तो नहीं दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है ना। रुको इसको सीधा कर देता हूँ, फिर तुम लोग को अच्छा तरीके से दिखेगा। अभी देखो इसका शेडो अच्छी तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इसका RGB करना है। चलो RGB कर दिया, लेकिन इसका शेडो किधर गया भाई? शेडो गायब हो गया, सिर्फ व्हील का शेडो दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। रुको अभी हम इनका अलग कलर करके देखते हैं, इनका शेडो आती है या नहीं आती है। देखो सभी कलर कर रहा हूँ लेकिन सभी का शेडो आ रहा है, लेकिन जब RGB कर रहा हूँ तो उसका शेडो नहीं आ रहा है। तो ये मिथ होता है कन्फर्म। पांच नंबर में थे, अगर हम घोस्ट डाटा बाइक को नेट पे ठोकते हैं तो हम नेट की आर पार हो जाएंगे। चलो घोस्ट डाटा बाइक स्पॉन कर लिया, अभी हमें क्या करना है, स्पीड में जाके नेट पे ठोकना है, ठीक है। 200 की स्पीड पे हम नेट पे जा रहे हैं और जितना स्पीड पे जा रहे हैं मुझे लगता है हम नेट की आर पार तो हो ही जाएंगे, लेकिन दुख की बात हम नहीं हो पाए। तो ये मिथ होता है बस्टेड। छह नंबर मिथ है, एयरपोर्ट के पास वाली घर के बाहर एक ट्री मल्टी कलर है। भाई कौन सा वाला ट्री, मुझे तो देख के नहीं लग रहा है, बता दिया करो यार कौन सा वाला ट्री है। देखो भाई सभी तो सेम है ना, रुको उस साइड पे जाके देखता हूँ, इस साइड पे भी सेम है भाई, कुछ अलग नहीं है। भाई ने एक पेड़ के बारे में बताया, वो भी सामने, सामने तो कोई पेड़ ही नहीं है। रुको हेलीकॉप्टर से देखता हूँ, शायद नीचे से हमें नहीं दिखाई दे रही है। अभी देखो ये नॉर्मल कलर है, मतलब जैसा ट्री का कलर होता है, लेकिन इस साइड पे कलर हो रहा है भाई। देखो लेकिन इस साइड पे पेड़ पे ना दो तीन कलर दिख रहा है, मतलब येलो कभी कभी ब्लू हो जा रहा है। नीचे से तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन हेलीकॉप्टर पे अगर आप देखोगे ना तो आपको दिखाई देगा भाई। तो ये मिथ होता है कन्फर्म। सात नंबर मिथ है, ATV के ऊपर ATV स्पॉन करो और मैजिक देखो। तो चलो ATV स्पॉन कर लेते, और ATV का चीट कोड है 2222। एक तो हो गया, अभी दूसरा वाला करना है। और भाई कितना धुआं निकल रहा है भाई, अभी इन पे बैठना है क्या? चलो बैठ के देखते हैं। बैठ गया, लेकिन ये बैठा कैसा है भाई? और भाई दो चल रहे? नहीं भाई एक ही चल रहा है। अभी देखो जैसे मैंने हैंडल को मोड़ा ना तो इसका हाथ पीठ पे चला गया, मतलब पीठ के अंदर चला गया। और पीछे देखो वो वाला ATV अपने आप ही घूम रहा है, मतलब जो दूसरा वाला था वो अपने आप ही घूम रहा है। तो ये मिथ होता है कन्फर्म। ऐसे और मिथ बास्टर्ड की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आपको अगर कुछ मिथ के बारे में पता है तो कमेंट करके बताओ।